हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लास्ट सेशन में हमने किया यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है वो कैसा होता है, उसका मीनिंग किया, देन सोर्सेस के। एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसके क्या फीचर्स हैं? तो फर्स्ट फीचर है इट्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ये मदर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिला हुआ है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से डिराइव किया है? फ्रॉम द ब्रिटिश। इसीलिए हम ये कहते हैं इट्स ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। डेमोक्रेसी को इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें मोनार्की भी है, एरिस्टोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी भी है, हम आगे करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से है? फ्रॉम एंग्लो सैक्सन पीरियड से है, जो 6th century से स्टार्ट होता है, जो एटलीस्ट 1500 ईयर्स ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहली फीचर क्या होगी कि ये ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर टू, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है जी क्या है? अनरिटन। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन की आपको एक भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हार्ड कॉपी है जिसको देखकर हम कह सकते हैं ये ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे इंडिया का क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है क्योंकि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। एंड इसके जो मेन सोर्सेस हैं वो टाइम टू टाइम लोगों की नीड के अकॉर्डिंग बनते आए हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो इसके रिटन पार्ट है वो कहाँ से आया? रिटन चार्टर से, पिटीशन से एंड पार्लियामेंट एक्ट है, वो ही कुछ रिटन पार्ट्स है, बाकी सब कुछ क्या है? अनरिटन है। तो इसीलिए जो टॉकविल है वो ये कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कि रियलिटी में ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। नंबर थर्ड, इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है? इसको हमने एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं बनाया, जे हमारी नीड के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ अपने आप ही एग्जिस्टेंस में आ गया। तो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व है, इट इज नॉट इनएक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसीलिए इसके रिगार्डिंग क्या कहा जाता है कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो किया है, ना कि जे बनाया गया है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम जे कहते हैं हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, लेकिन इसको हम कहते हैं जे टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ ग्रो हुआ है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डिवेल्प करता जा रहा है। जैसी सिचुएशन चेंज होती है, नीड चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इजीली सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस आ जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं जो पावर्स हैं वो क्या हो गई? पास हो गई। कहां से? स्लो एंड ग्रेजुअली, फ्रॉम मोनार्क टू पार्लियामेंट एंड टू कैबिनेट देन टू प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिटिश में क्या है? मोनार्की है। तो पहले मोनार्क के पास क्या थी? सभी पावर्स थी। तो स्लो एंड ग्रेजुअली ये पावर्स पार्लियामेंट के पास चली गई, फिर कैबिनेट के पास चली गई, अब प्राइम मिनिस्टर के पास चली गई। तो ये चेंज बहुत इजिली आ गया। अगर ब्रिटिश में कोई लॉ अमेंड करना है तो बहुत इजिली सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाती है। तो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जो टाइम के साथ डिवेल्प होता जाता है। नेक्स्ट इज कन्वेंशन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है इसका 80% कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है? कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अ लाइफ एंड ब्लड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कौन दे रहा है? कन्वेंशंस दे रही है। कन्वेंशंस क्या होती हैं? जैसे हम कहते हैं जो प्रथाएं चलती आ रही हैं हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम कन्वेंशंस कह रहे हैं। जैसे एक किंग है वो पार्लियामेंट की जो मीटिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, किंग वीटो पावर को यूज नहीं करता, तो ये क्या होगी? कन्वेंशंस होगी। ये कन्वेंशंस चलती आ रही हैं। देन लिमिटेड एंड हेरिडेटरी मोनार्की।
जो ब्रिटिश में मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी लेकिन मैग्ना कार्टा एक्ट के थ्रू क्या होगी, लिमिटेड मोनार्की बन गई। तो मोनार्की किस में कन्वर्ट होगी, लिमिटेड मोनार्की में। और जी मोनार्की क्या है, हेरिडेटरी है, मीन्स जो किंग जैक्यून है उसका सबसे बड़ा बच्चा, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, प्रिंस और प्रिंसेस होगा, वही क्या बनेगा आने वाले टाइम में, किंग और क्यून बनेगा। इसीलिए ये क्या होगी, हेरिडेटरी होगी। तो ब्रिटिश की जो मोनार्की है वो क्या हेरिडेटरी मोनार्की है। तो किंग और क्यून है वो क्या है, चीफ एग्जेक्टिव है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट है वैसे किंग और क्यून का वहां स्टेटस है। लेकिन सारी की सारी पावर्स किसके द्वारा यूज की जाती है, कैबिनेट के थ्रू यूज की जाती है। दे आर द ओनली नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश में कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक दिस ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, उसके अंडर ही सारे काम किए जाते हैं, सभी डिसीजन लिए जाते हैं, सभी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी वो काम करती है अपने हर एक एक्ट के लिए वो पार्लियामेंट में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जे क्या होते हैं, पॉलिटिकल होमोजेनियस होते हैं, एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लोज रिलेशन होते हैं बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। जे सब कुछ कैसे होते हैं, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पार्टी विनर होती है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है, वही सत्ता में आती है। तो इनमें क्लोज रिलेशन है। हम ये कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका फिक्स टेन्योर नहीं है, क्योंकि वो इकट्ठे ही सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनको रिजाइन देना पड़ेगा तो सभी को रिजाइन देना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या बन गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट इज सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हम पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे जो मोनार्की है वो क्या है, लिमिटेड है, तो पार्लियामेंट के पास सभी पावर्स है। पार्लियामेंट सच में बहुत ज्यादा सॉवरेन है, जो भी डिसीजन चाहिए वो पार्लियामेंट ले सकती है, वो सुपर पावर है। जो पार्लियामेंट है इसकी पावर्स अनलिमिटेड है एंड एब्सोल्यूट पावर्स है। कोई भी डिफरेंस नहीं है वहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से है और ऑर्डिनरी लॉ कौन से है, क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी नहीं है। तो ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जुडिशरी है, जुडिशरी कैन नॉट डिक्लेयर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो भी लॉ पार्लियामेंट के थ्रू पास किए जाते हैं उनको जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं कह सकती। इसीलिए पार्लियामेंट क्या होगी, सुप्रीम होगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जे रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, पार्लियामेंट को। तो सभी पावर्स किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या पार्लियामेंट है, दे कैन लीगली बाइंड इट्स सक्सेसर और बी फाउंड नॉट इट्स प्रेडेसर। मींस जो पार्लियामेंट है वो कभी भी अपने पुराने लॉ बनाए गए हैं उनके द्वारा बाउंड नहीं होते, ना आने वाली पार्लियामेंट को बाउंड करती है। तो ना ही लीगली बाइंड है ना ही बाउंड हो सकती है। तो सुप्रीम क्या होगी, पार्लियामेंट होगी, इसके पास सॉवरेंटी होगी। नेक्स्ट इज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी लेजिस्लेचर क्या है, बाइकैमरल। इट मींस क्या है कि वहां पर टू हाउसेस हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड सेकंड है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे जहाँ लोकसभा होती है वैसे ही वहां पर क्या होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स है। जो राज्यसभा है वहां पर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इसमें जो रॉयल मेंबर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, इसमें आम लोग इलेक्टेड होते हैं, तो इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। वहां पर भी क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। वहां पर क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है। ऑल्दो वहां पर क्या है, चार स्टेट्स हैं जो आपस में मिलकर यूके बनाती हैं, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट कैसे चलती है, यूनिटरी गवर्नमेंट। जो सेंटर है उसके पास ही सभी पावर्स होती हैं, वहां पर एब्सेंस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर है,
सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है, जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है लाइक दिस, वहां पर पावर्स डिवाइड नहीं की गई है, लेकिन 2000 के बाद क्या हुए, पावर्स को थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया जाने लगा, जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इसकी अपनी पार्लियामेंट बनाई गई, असेंबली बनाई गई, जिसमें जे कहते हैं कि जी अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको रन कर सकती है, तो यूनिट्स हैं लाइक वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जे अपनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स है इससे ही ड्राइव करती हैं, जो पावर्स है पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, तो वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चलता है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट है इंडिपेंडेंट है, पहले सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, जे बाय कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के थ्रू क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट बॉडी बनाया गया और इंडिपेंडेंट बनाया गया, इससे पहले क्या होता था, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जे ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होते थे, जो हम कहते हैं रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, वो ही क्या होते थे, हाईएस्ट अपीलिंग अथॉरिटी होती थी, लेकिन अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है और वो हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, वहां पर किस रूल चलते हैं, वहां पर लॉ का रूल चलता है, वहां पर डेमोक्रेसी है, जहां हम कहते हैं विदाउट रिटन लॉस, विदाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर भी क्या है, वहां पर सबसे बेटर लॉ माने जाते हैं, अनरिटन एंड इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पीपल अपने बहुत सारे राइट्स हैं इनको इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी सरकार है वो सिटीजन के राइट्स हैं उनको ओवररूल नहीं कर सकती है, जो ब्रिटिश के पीपल हैं उनके पास कोई कम राइट्स नहीं है, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं अमेरिका के साथ, जितने यूएसए के लोग हैं उनके पास राइट्स हैं उससे ज्यादा या उसके इक्वल ब्रिटिश के लोगों के पास भी राइट है, फ्रीडम है, तो वहां के लोगों को बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए हैं, और तो वहां पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर रूल ऑफ लॉ चलता है, जो पावर्स है ऑफिशियल्स की वो भी किसके द्वारा डिटरमिन होती हैं, बाय लॉ डिटरमिन होती हैं, तो लॉस के द्वारा ही सब कुछ चलाया जाता है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड गवर्नमेंट, मिक्स्ड गवर्नमेंट क्या है, ऐसी एग्जांपल हमको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती जहां पर मोनार्की भी हो, अरिस्टोक्रेसी भी हो और डेमोक्रेसी भी हो, जहां पर मोनार्की भी है, मोनार्की का हेड कौन है, किंग है, जहां पर हम कहते हैं लिमिटेड मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसमें रॉयल फैमिलीज के मेंबर है, हाउस ऑफ कॉमन्स है जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसीलिए जहां पर मिक्स्ड गवर्नमेंट है, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी प्रिवेल नहीं करती एक्सेप्ट ब्रिटिश। नेक्स्ट इज बाई पार्टी सिस्टम, वहां पर टू पार्टी सिस्टम है, एक है लिबरल पार्टी एंड सेकेंड वन इज कंजर्वेटिव पार्टी। विलियम टू के टाइम में दो पार्टीज एस्टैब्लिश होती हैं, विक पार्टी एंड टोरी पार्टी। जो विक पार्टी है वो लिबरल पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है, जो टोरी पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। जो लिबरल पार्टी है जो कॉमन मैन को फेवर करती है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है जी पावर्स ऑफ द किंग इसको फेवर करती है, तो जी दोनों सुप्रीम पार्टीज है। इसके अलावा वहां पर लेबर पार्टी भी थी जो 1922 में पावर में आती है, तो उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन टाइम के साथ वो बिल्कुल लॉस्ट कर जाती है अपनी पॉपुलैरिटी को। आज के टाइम में भी ये दोनों पार्टी ही मेन चल रही है। आज के टाइम में वहां पर जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो ही रूल कर रही है, वो ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है। नेक्स्ट इज चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन, ब्रिटिश का जो लॉ है इसके लिए यही कहा जाता है, इट इज चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन, क्योंकि ब्रिटिश का जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन नहीं है, ये टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप एग्जिस्टेंस में आया है, इसीलिए हम इसको चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं। चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट कैसे, जैसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट है जी कोई सोच समझ के प्लान कर नहीं हमारे सामने आए, जी सब कुछ टाइम के साथ, जरूरतों के साथ एग्जिस्टेंस में आया है, इसीलिए इसको कहते हैं चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट,
एंड डिजाइन क्यों, क्योंकि जो एक्ट्स बनाए गए जिसके थ्रू जो किंग था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई, जैसे मैग्ना कार्टा एक्ट जो फर्स्ट टाइम एक किंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता था, देन पिटीशन ऑफ राइट्स 1628 में, देन बिल ऑफ राइट्स 1689 में, तो ये सब कुछ क्या थे, ये डिजाइन किए गए थे, ये सोच समझ के पार्लियामेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आए थे, तो ये क्या हो गए, डिजाइन होगी और ये क्या हो गए, चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट होगी। सो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिजाइन। नेक्स्ट इज सेपरेट पार्लियामेंट फॉर स्कॉटलैंड एंड एन असेंबली फॉर वेल्स। जो स्कॉटलैंड है और वेल्स है इसके लिए सेपरेट पार्लियामेंट एस्टैब्लिश की है। स्कॉटलैंड में क्या हुआ, रेफरेंडम कराए गए इन 1997 में, जिसमें लोगों ने फेवर किया कि स्कॉटलैंड के लिए अलग से पार्लियामेंट होनी चाहिए, तो 1999 को स्कॉटलैंड के लिए स्कॉटिश पार्लियामेंट एस्टैब्लिश की गई। एंड वेल्स के लिए क्या है, वेल्स असेंबली है, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, इसके पास पावर नहीं है कि जो टैक्स को रेज कर सके या फिर अपनी पार्लियामेंट बना सके, तो स्कॉटलैंड एंड वेल्स हैं इसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई है, इनके लिए सेपरेट पार्लियामेंट की प्रोविजन की गई है। तो ये थी सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको समझने के बाद हमें लगता है कि ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिस वजह से ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होते हुए भी टाइम और सिचुएशन के साथ डिवेल्प होता गया है, डिवेल्प हो रहा है एंड विल डिवेल्प, जिसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको हम मदर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस देते हैं। तो आज हमने किया दिस सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।